हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर, चर्चा करेंगे। आज जो हमारी क्लास होगी वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ना। ऐसे मान लीजिए कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले, जिस पर जान परिचय करने वाले हैं, वो वास्तव में तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा बनकर बैठा हुआ है, जिसको कहते हैं COVID-19, है ना। पहली बात तो ये आती है कि इसके नाम कितने हैं, है ना। क्योंकि एक बात तो बड़ी प्रचलित बात रहती है कि जो व्यक्ति ज्यादा चर्चित होता है, जो व्यक्ति ज्यादा चर्चा में रहता है, उसके नाम कई सारे होते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? उन्हीं में से आज हम पहले बात करते हैं इसके नाम कितने हैं। और मैं इसकी क्लास शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये आपकी क्लास है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का विद्यार्थी हो, चाहे ऐसा नहीं बायोलॉजी वर्ग का ही हो तभी उसके लिए काम आएगा ये, चाहे वो जीके से संबंध रखता हो, यानी वो एंट्रेंस एग्जाम से संबंध रखता है तो उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। तो पहले तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बात करता हूं कि जो कोरोना वायरस है इसके नाम क्या क्या है। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं समझोगे तब तक आप उससे बात नहीं कर पाओगे, तब तक आप कुछ भी उससे चर्चा नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि यदि उसके आपको नाम नहीं पता है तो कोई आपका पड़ोसी उसको उसी नाम से पुकार रहा है, आप भी उसी को उसी दूसरे नाम से पुकार रहे हो, तो दोनों के बीच में मतभेद बना रहेगा। आप समझोगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, और जबकि दूसरा व्यक्ति समझेगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, और जबकि रियलिटी तो ये है कि दोनों सही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसके नाम पर बात करता हूँ। आखिरकार इसके नाम के पीछे क्या कहानी है, है ना। तो देखते हैं क्या है। पहली बात तो मैं वो नाम लेता हूं जो बड़ा चर्चित नाम है, जो लोगों की बिल्कुल जबान पर रहता है, कोरोना वायरस। क्या नाम है? कोरोना वायरस। तो पहली बात तो आती है कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा। दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा। आज मैं इसके नाम पर ही बात करूंगा। तो देखिए, कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि कोरोना शब्द लैटिन से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, और कोरोना शब्द जो लैटिन भाषा से लिया गया है उसका मतलब होता है मुकुट, क्राउन। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? क्राउन। तो एक मुकुट के समान संरचना प्रतीत होती है, इसीलिए इसे कोरोना कहते हैं, और ये वायरस है इसीलिए इसे वायरस बोल देते हैं। तो क्या हो गया? पूरा कोरोना वायरस हो गया। तो कोरोना वायरस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, और कोरोना लैटिन में क्राउन शब्द से संबंध रखता है, और क्राउन का मतलब होता है मुकुट। तो क्या लिखा है? कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यानी जो संरचना है वो क्राउन के समान है, अर्थात क्राउन का मतलब क्या होता है? मुकुट के समान है। और ये किससे, किस भाषा के हिसाब से? लैटिन भाषा के हिसाब से। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये मतलब ये जो आपका कोरोना वायरस है इसका नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्राउन के समान है, मुकुट के समान संरचना रखता है। अब दूसरी बात आती है, क्या इसका नाम कोरोना वायरस ही है? आपको सर, हमने न्यूज चैनल पर या न्यूज पेपर पर या मैंने कई लोगों के मुख से, मैंने मेडिकल की तरफ से सुना है COVID-19 भी कहा जाता है। हाँ, तो इसका पहला नाम तो था कोरोना वायरस। क्या था? कोरोना वायरस। दूसरा है COVID-19। आप कहोगे सर COVID-19 का मतलब क्या है? अब ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, है ना। तो COVID-19 का मतलब क्या है? COVID-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 29। याद रखना, क्या है? कोरोना वायरस डिजीज। अब यहां पर इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? ये शब्द इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि COVID-19 में डी का मतलब क्या है? तो डी का मतलब क्या है? डिजीज है। क्या है? डिजीज है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर मैंने एक नाम और सुना है, इसका नाम एनकोव भी बोला जाता है। क्या नाम बोला जाता है? एनकोव। अब एनकोव का मतलब क्या है? देखिए, इसका भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका क्या नाम है? नोवेल कोरोना वायरस। क्या है? नोवेल कोरोना वायरस। एन से क्या हो गया? नोवेल।
सीओ से क्या हो गया कोरोना और वी से क्या हो गया वायरस। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए सीओ से क्या हो गया कोरोना, वी से क्या हो गया वायरस, है ना, वी आई से ऐसे बता सकते हो। ये इसका मतलब हो गया कोरोना और वी आई का मतलब हो गया वायरस और डी का मतलब हो गया डिजीज इंपॉर्टेंट। इसी तरह यहां से भी निकाल सकते हो एन का मतलब हो गया, यहां पे मैं बता देता हूं नोवेल, और सी ओ का मतलब हो गया कोरोना, है ना, और वी का मतलब हो गया वायरस। ठीक है, तो नोवेल कोरोना वायरस, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोगों को, है ना, ऐसे रटते हुए क्लास देखते हुए नहीं जाना है आगे। एक नाम इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो कि एंट्रेंस एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन बन सकता है वर्तमान में इसको सार्स कोव टू नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम है? सार्स कोव टू। नाम फिर मैं बोल देता हूं सार्स कोव टू। लेकिन अब इसका फुल फॉर्म क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फुल फॉर्म जानना। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेवर एक्वेट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू। इंपॉर्टेंट क्या है? सेवर एक्यूट, है ना, एक्यूट। अब यहां पे आर है तो आर का मतलब क्या हुआ? रेस्पायरेटरी मतलब श्वसन तंत्र। ठीक है, एस का मतलब क्या हो गया? सिंड्रोम। और सीओ का मतलब क्या होगा? कोरोना। और वी का मतलब क्या हुआ? वायरस। और टू का मतलब टू ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन वो यहां से पूछेगा कि सार्स कोव टू में आर का क्या तात्पर्य है, आर का संबंध किससे है। तो आप फटाक से जाना आर का संबंध है रेस्पायरेटरी अर्थात श्वसन से संबंध रखता है। बिल्कुल बात ठीक है, ये श्वसन से संबंध रखता है, है ना, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। इसलिए मैं पहली शुरुआत पहली क्लास उसके परिचय से शुरू कर रहा हूं, है ना। आप कहोगे सर इसके तो चार नाम हो गए, कितने नाम हो गए? चार नाम हो गए, एक दो तीन चार, और मैंने चारों के मतलब बताए। कोरोना वायरस क्यों कहा गया, कोविड-19 क्यों कहा गया, है ना, 90nCoV क्यों कहा गया, है ना, SARS-CoV-2 क्यों कहा गया। इस प्रकार ये चारों नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि सर इसका जो मुख्य कर्ता धर्ता कौन है। हाँ ये तो बात ठीक है, जो इतना हल्ला मचा रखा है इस वायरस ने, इसके पीछे किसका हाथ है, ना, लोग कहते हैं सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो इतना सक्षम हो गया कि पूरे विश्व में इसने अपना नाम कर लिया, तो इसके पीछे किसका योगदान रहा? उसके पीछे रहा इसके आनुवांशिक मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल का, आनुवांशिक पदार्थ का। आप कहोगे सर इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? हम लोगों ने डीएनए में पढ़ रखा है कि आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए होता है, लेकिन कहीं कहीं आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य आरएनए भी करता है, वो भी मुख्य रूप से वायरस में। तो यहां पर आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए। अब कहोगे सर आरएनए दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और एक होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। यहां पर कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये जो वायरस है कौन, जो कोविड 19 यानी कोरोना वायरस जो है, इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, याद रखना। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम का कि कोरोना वायरस से होने वाली डिजीज कौन सी है, बीमारी कौन सी है। अब काफी लोग इंटेलिजेंट होने का क्या करते हैं, वहां पर सपोज दैट विकल्प में फ्लू दे रखा है, तो फ्लू पर, क्योंकि फ्लू बड़ी चर्चा में रहता है कि फ्लू है, है ना, तो जुकाम दे दिया, जुकाम पर टिक लगा देंगे, है ना, या फिर कोई नॉर्मल फीवर दे दिया उसमें। अरे नहीं, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड है। इंपॉर्टेंट, कौन सी बीमारी है? कोविड है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आज हम लोगों ने इसके नाम को समझा। इसका नाम का जितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो इतना ही है, नाम संबंधी जितने क्वेश्चन बनेंगे इतनी ही जगह से बनेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं। मैं आपको अन्य क्लास में इसके विषय में और डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। धन्यवाद। और अपने मित्रों तक, अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक, और यहां तक कि हर एक अपने संबंधी व्यक्ति जो एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोरोना वायरस पर आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ये कैसे काम करता है, क्या करता है, जिससे कि आपको अधिक से अधिक आने वाले एग्जाम में
क्वेश्चन जो बनने वाले, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनने वाले हैं कोविड 19 पर, वो आपसे 100% सही हो सके। धन्यवाद।